पे मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। अभी तक टेम्परेचर वॉज फीलिंग 42, 43, 44 तक चला गया था और इंडिया के कई पार्ट में रेड जोन हो चुका है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर 44 के ऊपर है। और इतना ब्यूटीफुल मौसम हो गया है यहाँ पे, इसे कहते हैं कि आखिरी, जैसे दिया होता है, जैसे एक दिया होता है वो बुझने से पहले बहुत तेज जलता है, ऐसी ही आखिरी बारिश होती है कि इसके बाद अब चिलिंग आ जाएगी, लू चालू हो जाएगी। और ऊपर का उत्तराखंड का मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। अब यमुनोत्री का द्वार खुल गया है, गंगोत्री का आज खुल गया है और कल केदार पापा केदारनाथ पहुंच जाएंगे मंदिर में। फाटक से निकल चुके हैं, गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, वहां पे हमारे एक शिव भक्त रिपोर्टर जिसे मैं कहूँगा विनय इंदुलेकर जी हैं वहाँ पे, और उन्होंने पूरी जर्नी देखी है, वो गुप्त काशी से उकी मठ से गुप्त काशी से पूरी यात्रा में साथ रहे हैं और मुझे बताते रहे हैं कहाँ कहाँ केदार बाबा पहुँचे हैं। मौसम चेंज हो गया है, देखना ये है कि हम इस मौसम का फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करूँगा अपने ग्रुप को, अपने ग्रुप के साथ, कि वो जो ग्रुप है वो कौन से एज ग्रुप का है, क्या क्या उनके फिज़िकल और मेडिकल क्या क्या चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्या क्या अध्ययन उनका एक्सपीरियंस वो लेके चल रहे हैं, और चार धाम में वो क्या ढूँढ रहे हैं, किस रूप में ये प्रभु का दर्शन करना चाह रहे हैं, जो इनके दर्शन होंगे वो किस कितना भव्य होने वाला है। ये सभी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से अपडेट करना शुरू करूँगा। अभी के लिए आप लोग एंजॉय करो, ये मौसम दिल्ली में हो, राइड पे निकलो, बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी राइड्स हैं आपके घर के आसपास, उस राइड्स पे जाओ, हो सके तो माउंटेन्स को एक बार छू के आ जाओ, समर्स है, आखिरी बार स्नो दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक चट्टान दिख जाए हिमालय की तो वो एक विश्वास, मतलब एक पॉइंट बन जाता है होप का, कि जब भी हम गर्मी में मरेंगे वो पहाड़ याद कर लेंगे और गर्मी मिट जाएगी हमारी। तो हमें इसी थॉट प्रोसेस को बीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे बद्री बाबा के पास, बद्री बाबा जब अपने कपाट खोलेंगे तो उनके दर्शन, वो बहुत खूबसूरत उनके दर्शन है, क्योंकि उनमें सजावट होती है, संस्कृति होती है, वो सब देखने को मिलता है। केदार बाबा तो अपना वैरागी है, वो तो पहाड़ों में सुनसान में बर्फ़ की जहाँ पे, हाँ अगली चीज़ आपको जो भी मिल सकती है वो मौत ही हो सकती है, परंतु वही चीज़ आपको ज़िंदा बहुत रखती है। देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नर्मदे हर।